एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डेली यूजेस सेंटेंस। आप इस तरीके के सेंटेंस डेली बोलते होंगे, वह मेरी कंपनी है, वह मेरी गाड़ियां हैं, ये उसके घोड़े हैं, यह मेरी चटाई है, यह मेरी बाइक है। आखिर ये सेंटेंस बनते कैसे हैं, यही इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। पहली बार इस चैनल पे आप यदि विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को एंड तक देखें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट बूस्ट होता है, तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंस बना पाएंगे और डेली लाइफ में यूज़ कर पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव को समझना होगा। आप मेरी प्रोनाउंस सुन पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पे डी और सी को नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ये दोनों वर्ड जो होते हैं वो साइलेंट होते हैं, इसलिए आप पढ़ेंगे इसे पजेसिव एडजेक्टिव। पर्सनल प्रोनाउन आई का मतलब मैं होता है, इसका पजेसिव एडजेक्टिव माय। आप और भी नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पे इंग्लिश में एक ही वर्ड माय लिखा है, परंतु हिंदी में इसके बहुत सारे मतलब लिखे हुए हैं। माय मतलब मेरा, मेरी, मेरे। वी मतलब हम। पजेसिव एडजेक्टिव इसका अवर होता है, इसका हिंदी मतलब हमारा, हमारी, हमारे। यू मतलब तुम, इसका पजेसिव एडजेक्टिव योर होता है, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके। दे मतलब वे, इसका पजेसिव एडजेक्टिव देयर, उनका, उनकी, उनके। ही वह लड़कों के लिए यूज होता है, इसका पजेसिव एडजेक्टिव हिस होता है, उसका, उसकी, उसके। सी लड़कियों के लिए यूज किया जाता है, इसका पजेसिव एडजेक्टिव हर, उसका, उसकी, उसके। इट मतलब वह, ये नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं, इट्स उसका, उसकी, उसके। यह चार्ट आपको याद रखना होगा कि किसी से हम सेंटेंस बना पाएंगे। इसका स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना पड़ेगा इस टाइप के सेंटेंस को बनाने के लिए। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्लस पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। हमें सबसे पहले डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस मतलब यह, जो पास की किसी एक वस्तु को इंडिकेट करने के लिए। डेट मतलब वह, दूर की किसी एक वस्तु को बताने के लिए। दीस मतलब ये, पास में रखी बहुत सारी वस्तुओं को बताने के लिए। दोस मतलब वे, जो दूर रखी बहुत सारी वस्तुओं को बताने के लिए यूज किया जाता है। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। यदि आपको इसका सेपरेट वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इंड स्क्रीन पे से आप देख पाएंगे। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब समझ लेते हैं। यह पजेसिव एडजेक्टिव मतलब कि अधिकार, हमारा हक बताना। यह मेरी गाड़ी है, यह तुम्हारा घर है, मतलब हम क्या यहाँ पे अपना अधिकार बता रहे हैं, मतलब पजेसिव, राइट? हम अपना अधिकार बता रहे हैं, इसे हम पजेसिव एडजेक्टिव का यहाँ पे यूज करेंगे। प्लस नाउन, इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, इसी से हम सेंटेंस फॉर्मिंग कर पाएंगे। तो चलो देख लेते हैं बहुत सारे सेंटेंस इससे रिलेटेड। वह आप देख पा रहे हैं, ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जिसका इंग्लिश में डेट होता है। डेट मतलब वह। तुम्हारी, यह क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, जो कि हम पजेसिव एडजेक्टिव ये स्ट्रक्चर में देखे हैं। और लास्ट में भैंस, बफेलो, जो कि यह एक नाउन है। तो आपको स्ट्रक्चर याद हो गया होगा। वह तुम्हारी भैंस है, वह मतलब डैट, तुम्हारी, यह पजेसिव एडजेक्टिव है, योर लिखेंगे, भैंस नाउन बफेलो, तो दैट इज योर बफेलो, यह उनकी मम्मी जी है। यह है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उनकी को हम देयर लिखेंगे, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, और मम्मी, मदर, यह नाउन है, तो हम पढ़ेंगे देयर इज देयर मदर, दिस इज देयर मदर। वह मेरी कंपनी है, डैट इज माय कंपनी। कंपनी नाउन है, मेरी, माय पजेसिव एडजेक्टिव है, और डैट मतलब वह, जो कि संकेतवाचक सर्वनाम है। वे हमारी गाड़ियां हैं, वे मतलब दोस्त, जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। गाड़ियां मतलब व्हीकल्स, यह नाउन है। हमारी मतलब अवर, यह पजेसिव एडजेक्टिव है। वे हमारी गाड़ियां हैं, दोस आर अवर व्हीकल्स, ये
उसके घोड़े हैं, ये मतलब दीज जो कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, उसके हर ये लड़की के लिए यूज हुआ है जो कि पजेसिव एडजेक्टिव है, घोड़े मतलब हॉर्सेस यह एक नाउन है, राइट। तो ये उसके घोड़े हैं, दीज आर हर हॉर्सेस। और भी सेंटेंस देख लीजिए, वह उनकी दुकान है, डेट इज देयर शॉप, रामू उनका नौकर है, रामू इज देयर सर्वेंट, यह मेरी चटाई है, दिस इज माय मैट, वे उसका पेड़ है, दोस आर हर ट्रीज, वह उनका मकान है, डेट इज देयर हाउस, वह आपकी पुस्तक है, डेट इज योर बुक, वह मेरा कुत्ता है, डेट इज माय डॉग, यह मेरी बाइक है, दिस इज माय बाइक, यह उसका हवाई जहाज है, दिस इज हर एरोप्लेन। आई होप इसी से रिलेटेड और भी सेंटेंस आप बना पाएंगे।